वन आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूड एंड लाइफस्टाइल में। तो चलिए आज बनाते हैं ये व्रत में खाने के लिए बहुत ही लाजवाब सा टेस्टी डिलीशियस लौकी का हलवा। इसके लिए मैंने लौकी ले ली थी बिल्कुल सॉफ्ट वाले, जिसमें बीज नहीं हो वो वाली ले ली है, और इसको मैंने छील के अच्छे से इस तरह से मोटे मोटे पीसेस में काट करके रख लिया है। कुछ भी घिसना नहीं है, कुछ भी पीसना नहीं है, बस नॉर्मली इस तरह से काट के मुझे रख लेना है। इसको चलिए जल्दी से मैं बता देती हूँ कैसे बनाना है। इसके लिए मैंने चढ़ा दिया है गैस पे एक कुकर। जी हाँ, मैं इसको कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है उस दिन समय भी कम होता है, तो सोचते हैं जल्दी से कुछ टेस्टी लाजवाब सा डिश मिल जाए, तो इस तरह से आप बना के जरूर खाएं। तो चढ़ा दिया है गैस पे कुकर और डाल दिया है मैंने 1 चम्मच शुद्ध देसी घी, और देसी घी को थोड़ा सा मुझे मेल्ट करना है। तो घी अच्छे से चुका है, अब मैं इसको थोड़ा सा पूरे कुकर में इस तरह फैला लेती हूँ। चलिए ये भी अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स को, तो जो भी आपको पसंद हो वो डालें। मैंने इसमें डाल दिए हैं कुछ बादाम, और साथ ही साथ लिया है कुछ किशमिश, साथ ही साथ डाल दिया है अखरोट और काजू। तो इस तरह से लेके मैंने डाल दिया है, और इसको स्लो गैस में मुझे थोड़ा सा भूनना है। बहुत तेज़ आंच में भूनेंगे तो ड्राई फ्रूट जल जाएंगे, इसलिए बिल्कुल धीमी आंच में लगभग 1 से 1.5 मिनट अच्छे से इसको सौंधा बनाने तक और कलर इसका चेंज हो जाने तक मुझे अच्छे से भूनना है। चलिए देखिए अच्छे से मेरा ये भून गया है। अब मैं जो लौकी के पीसेस कट करके रखी थी वो इसमें मैं सारा डाल देती हूँ, और डालने के बाद गैस को आप मीडियम कर दें, क्योंकि अब मुझे इसको थोड़ा सा मीडियम गैस में इसको भूनना है। तो इसी में मैं लगातार चलाते हुए इसको लगभग 1.5 से 2 मिनट भूनेंगे। ऐसे करने से लौकी में टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, और थोड़ा सा जो इसमें पानी होगा वो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह से 1.5 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। तो देखिए अच्छे से ये भून गया है, और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी दूध। तो इसमें मैंने दूध डाला है लगभग 1 कटोरी, और वो भी गर्म दूध डालें, ताकि लौकी डालेंगे जब तो उसमें फट जाता है कभी कभी, तो हमेशा इसमें डालें तो बॉईल करके ही डालें। तो मैंने ले लिया है 1 कटोरी बॉईल दूध, और वो इसमें मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद फिर से मैं सारी चीज़ों को अच्छे से चला देते हैं। इसके बाद मैं इसका लगा दूंगी ढक्कन, और लगभग 3 से 4 सीटी आने तक मुझे इसी में अच्छे से इसको पका लेना है। चलिए जब तक ये पक रहा है मैंने ले लिया है ये दूध। दूध लगभग 1 कटोरी लिया है, लगभग 250 ग्राम है ये, और इसमें मुझे अच्छे से उबालना है। गाय व्रत है तो उसमें कुछ आप बाहर का ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, तो घर में ही शुद्ध पनीर मुझे बनाना है। तो मैं इसको बॉईल कर ली हूँ, और डाल देते हैं नींबू का रस, और इसके बाद मुझे इसका एक सॉफ्ट सा छेना तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने बना लिया है। अब ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको छान के साइड में रख लेती हूँ। बढ़िया सा मेरा ये छेना भी रेडी हो गया है, और इसके बाद अब इसको गैस को बंद करके छान के साइड में रख लेते हैं। चलिए अब इसके बाद मैं देख लेती हूँ कुकर खोल के कि वो कैसा है। चलिए कुकर अब मेरा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, उसके बाद मैंने इसको खोल के चेक कर लेना है। तो देखिए चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया सा ये रेडी हो गया है। अब मैं ले लेती हूँ एक पानी इस तरह से, और इसको अच्छे से मुझे इसी में दबाते हुए जो लौकी के खड़े पीसेस हैं इस तरह से कर देना है, तो ये सारा अच्छे से मैश हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मीडियम आंच पे ही करना है। ये हो गया है, अब मैं इसको रख देती हूँ साइड में, और अब चढ़ा देती हूँ एक में गैस पे नॉन स्टिक पैन, या कोई भी आप पैन ले लें, और इसमें मैं डाल दूँगी जो ये सारा मैंने बॉईल करके रखा है वो इसमें सारा डाल देते हैं, क्योंकि मुझे अब इसको थोड़ा भूनना है। तो इस प्रोसेस को मैं इसमें करूँगी ताकि वो अच्छे से सारी चीज़ें भून जाए, और इस तरह से मैं दबाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से मैं भूनूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से ये भून रहा है, और गैस इसका जो दूध है ना वो भी इसमें सूखेगा, तो उसका भी फ्लेवर जो खोए वाला टेस्ट है वो इससे आ जाएगा।
तो सारी चीज़ों को मैं अब इस तरह से अच्छे से भून लेती हूँ। लगभग 2 से 3 मिनट मैं इसी में अच्छे से भूनूंगी ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। तो ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से भूना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप व्रत में इस तरह से बना के खाएंगे गाइज, आपको बहुत ज़्यादा, एक तो ये हेल्दी भी लगेगा, टेस्टी भी लगेगा। चलिए अच्छे से भून रहा है, अब मैं इसमें थोड़ा सा ले लेती हूँ चीनी। तो चीनी इस टाइम पे मैं डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने एक छोटी कटोरी चीनी ली है, लगभग 100 ग्राम, और वो इसमें डाल दिया है। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब उसको डालने के बाद भी मुझे इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि सारा चीज़ें अच्छे से सूख जाए। तो देखिए अच्छे से भुन रहा है, और इस टाइम पे मैंने डाल दिया है लगभग 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। उसको डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। तो बढ़िया सा ये भुन गया है, और इसके बाद अभी थोड़ा इसमें जो दूध है ना उसको भी मुझे सुखाना है। तो इस तरह से दूध, लौकी, ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ें और इलायची की खुशबू से पूरा किचन एकदम खुशबू से भर चुका है। ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल लौकी का हलवा मेरा रेडी हो रहा है। तो देख सकते हैं कि ये मैं इसको लगभग 2 से 3 मिनट इस तरह से अच्छे से पुश करते हुए और भून लेती हूँ। अब मैं इस टाइम पे इसमें डालूँगी ये, और थोड़ा सा जो मैंने पनीर के जो छिरा तैयार किया था वो लिया है, और ये इसमें मैं डाल देती हूँ। और इसको डालने के बाद मैं इसको भूनूंगी, तो इसमें इसका पनीर का जो छिने का टेस्ट है ना वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है। व्रत का दिन है तो थोड़ी सी वीकनेस लग सकती है, तो इस तरह से डाल दें। अब मैंने लिया है फूड कलर ग्रीन का, और इस तरह से मैं 1 ड्रॉप्स डालूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या ना डालें, लेकिन डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, बिल्कुल वो ग्रीन कलर जो लौकी का कलर होता है ना वो आ जाता है। कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, ये बढ़िया सा रेडी हो रहा है। मैंने डाल दिया है लगभग 1 छोटा चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से इस टाइम पे इसमें बहुत बढ़िया सा ग्लेस आ जाता है। सारी चीज़ें भून के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब मैंने ले लिया है एक ये बर्तन, और जितना मैंने बना के रखा है ये हलवा को वो इस पर मैं डाल देती हूँ। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको इसमें डाल दिया है, और पूरे में अच्छे से इस तरह से दबाते हुए थोड़ा सा अच्छे से इसमें फैला देती हूँ। बिल्कुल ये थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं इसको। इसके बाद इसको गाइस ये हलवा 3 से 4 दिन भी आप रख के खाएंगे तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप इसको ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं, आपका कभी भी कुछ अच्छा हेल्दी खाने का मन हो तो आप ये डिज़र्ट ट्राई कर सकते हैं। अब इसके ले लिया है मैंने एक ये प्लेट, और इसके बाद मैं इसके ऊपर इसको कवर लगा देती हूँ, और इसके बाद इस तरह से पलट लेते हैं पूरा हाथ एक साइड रख के इस तरह से। ऐसे पलटने पे एक अच्छा सा शेप इसका बन के पूरा ये निकल आएगा। तो देखिए कितना बढ़िया सा रेडी हो गया है। अब मैं काजू ले ली हूँ, और काजू चूँकि शिवरात्रि है, शिवरात्रि स्पेशल बनाया है, तो मैं इसमें काजू से ओम लिख देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने 2 काजू इस तरह से ओम का आकार दे दिया है, साइड में लगा दिया है, ऊपर एक चंद्रमा का आकार बना दिया है, लग रहा है ना बिल्कुल ओम। तो गाइस ये बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं ले लेती हूँ एक बादाम, और इस तरह से एक ऊपर लगा दिया है। गाइस ये रेसिपी बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आपको